होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और हमारे यहाँ ना धूप आ चुकी है ऑलमोस्ट। और आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। होप आप सभी लोग दीपावली का पर्व धूमधाम से आज मनाएंगे, तो हम भी आज मनाएंगे। और क्योंकि बहुत सारा आज काम भी है, क्योंकि सफाई वफाई बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि लोग तो पहले से ही करने लग जाते हैं और हमने भी पहले से स्टार्ट कर दिया था हल्की हल्की सफाई जितना भी होता है। गाँव में तो उतना नहीं हो पाता है, जितनी भी होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा रहे और जितनी अच्छी साफ सफाई बनी रहे। मैंने कुछ मालाएँ लेके आए हैं, इसमें 1, 2, 5 मालाएँ हैं, तो सबसे पहले इनको लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि फूल मालाएँ ना उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और दिन के टाइम पर वो वाला काम करूँगा। पहले इनको लगाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। की लड़ियाँ मैंने लगा दी हैं और यहाँ से लेके वो उधर वाले कोने तक पूरी की पूरी, क्योंकि 4-5 मालाएँ थी मेरे पास, तो यहाँ से लेके पूरी उधर तक पूरी की पूरी लग चुकी हैं सारी की सारी। अब मैं थोड़ी देर बाद तैयारी करूँगा फूल की मालाएं लगाने के लिए, क्योंकि कुछ मेरे पास ना आर्टिफिशियल से मालाएं भी हैं जो मार्केट से मैं लेके आया था, और कुछ मैं खुद से बनाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ फूल हैं तो फूलों का बेटर रहता है मार्केट से, क्योंकि आजकल लोगों के यहाँ फूल नहीं होते हैं, तभी लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बाहर से लेके आएँ और इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता कि माला बना के फिर लगाना है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और 2-3 मालाएं तो एटलीस्ट बना ही लूँगा अच्छी अच्छी फूल की। मालाएँ जो है ना ये वाली यहाँ से लेके वो उधर वाले कोने तक लग चुके हैं, जैसे यहाँ से देखोगे ना अभी तो दिखेंगी नहीं है, बट शाम को जब अंधेरा हो जाएगा तो उस टाइम पे चमकने लग जाएंगे। पिछली बार जब मैं घर आया था ना तो ये वाले जो सारे के सारे खेत है सामने के वो खाली खाली से नज़र आ रहे थे, अभी आपको भी खाली नज़र आ रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे से जो बीज उग रखे हैं ना उसमें अभी गेहूं के बीज हैं, यानी कि लोगों ने गेहूं बो दिए हैं, बोने के बाद अब बड़े बड़े से हल्के हल्के बीज हो चुके हैं। तो क्योंकि एक महीने में ना काफ़ी कुछ बदल चुका है, क्योंकि लास्ट मैं एक महीने पहले यानी कि अक्टूबर स्टार्टिंग में मैं यहीं पर था, तो उस टाइम पर सारे खाली खाली से थे। और ये सामने हमारे माल्टे जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, लास्ट टाइम पे जब मैंने तोड़े थे तो उस टाइम पे हरे नज़र आ रहे थे और लेकिन ऑलमोस्ट पके चुके थे, बट अब अच्छी तरह से पक गए हैं और लोगों ने खा भी लिए हैं, कुछ ही बचे हैं। तब मैं तोड़ लेता हूँ और टेस्ट करता हूँ भाई कितना टेस्ट है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले लास्ट टाइम पर भी खाया था, उस टाइम पर थोड़े से खट्टे लग रहे थे। तो भाई एक दाना हमने तोड़ रखा है माल्टे का, इसको काटते हैं, काट के इसमें लगाएंगे हल्का सा नमक, नमक लगा के देखते हैं। क्या मस्त स्वाद है। लास्ट टाइम पे जब मैंने खाया था हल्के खट्टे थे, लेकिन अब और अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब मीठे लगने लग गए हैं पूरे के पूरे। तैयारी करते हैं हम फूल माला बनाने की, और उसके लिए सबसे पहले मेरे को थोड़े बहुत और फूल तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत ना मैंने इसमें तोड़ रखे हैं ये वाले। बस ऑलमोस्ट फूल ना इसमें तोड़ दिए हैं, क्योंकि कुछ बड़ी वैरायटी के फूल है गेंदा फूल और कुछ छोटी वैरायटी के, और ये तीसरा है
आम का पत्ता ना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैं क्या करूँगा, जब फूल माला बनाऊँगा तो उसमें कुछ पत्ते ना उसके भी जोड़ दूँगा, तो उसमें रौनक भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कुछ आम के पत्ते होते हैं ग्रीन और ये पीले लाल फूल हैं, काफ़ी अच्छे लगने लग जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ माला बनाना। कुछ इस तरह की हमारी माला बन चुकी है नेचुरल फूलों की, जो मार्केट से ले आते हैं उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी बढ़िया लग रही है और होती भी है। दो आम के पत्ते और गेंदा फूल काफ़ी सुंदर, रंग बिरंगे पीले लाल और हरे का कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहली माला हमारी बन चुकी है, अब हम बनाएंगे दूसरी माला। तो हमारी दूसरी माला बन चुकी है जो कि मंदिर के लिए परफेक्ट है। तो कुछ इस तरह की हमने माला बनाई और मंदिर में ना ये लगा दिया है अभी फिलहाल के लिए। पूजा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे दिए भी तैयार है, यहाँ तो ऑलमोस्ट जल चुके हैं। इस वाले में तेल डालना सब में डालो फिर। हैं? चावल भी तो नहीं लाए उस साइड भी दे दे। इधर तो आओ ना, टीका लगा देते हैं। लगा दे, चल आओ फिर। तलाक जीते रहो, नहीं सदा स्वागन रहो, सदा स्वागन रहो। खेले बतासे और हाथी घोड़ा। जलाओ तुम, मैं अपना आप जाऊंगी। खाते
फिर से एक बार हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने मिलके दिवाली को काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा और बहुत सारे खूब पटाखे फोड़े होंगे, हम लोगों ने भी फोड़े और थोड़ी देर बाद हमारा डिनर भी स्टार्ट हो जाएगा। और तो यार आप सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली और आप सभी लोगों का परिवार खुशी तरह दिवालियाँ मनाते रहें हर साल। और तो अभी के लिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे एक और नए दिन। अभी के लिए बाय बाय।